और साउथ अफ्रीका के बीच रांची में टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है। इस मुकाबले में टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज की एंट्री हुई है, जो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर के शाबाज नदीम की, जिसने आखिरी मुकाबले से अपना टेस्ट डेब्यू किया है। दरअसल 2004 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे शाबाज नदीम को 15 साल बाद टेस्ट टीम में मौका मिला है। इससे पहले भी शाबाज नदीम को टीम में चुना जा चुका है, लेकिन कभी डेब्यू करने का मौका नहीं मिला। झारखंड के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले शाबाज नदीम अपने ही घर पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने उतरे हैं। इस मैच में वो आर अश्विन और रविंद्र जडेजा का साथ देंगे। आपको बता दें कि 30 साल से ज्यादा की उम्र में शाबाज नदीम ने टेस्ट डेब्यू किया है। नदीम के पिताजी स्पेशल ब्रांच के डीएसपी पद से सेनावृत्त हैं। उनके डेब्यू करने से पूरा परिवार बहुत खुश है। न्यूज़ डेस्क।